नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्षी एकजुटता के अभियान में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने क्या एक नई चुनौती आ गई है? क्या विपक्षी एकजुटता अभियान को एक नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है, नई चुनौती से जूझना होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री की खूब चर्चा है, दोनों के बीच खूब केमिस्ट्री जम रही है। और अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री की बात करें तो फिर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि महागठबंधन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो बयान महागठबंधन के खेमे से आ रहे हैं, आरजेडी के खेमे से आ रहे हैं, और उन बयानों पर जेडीयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उससे ये बात जरूर कही जा सकती है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसको लेकर खबर आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। सुबह ही हमने आपको बताया, जगदानंद सिंह ने बयान दिया तेजस्वी यादव को लेकर, और उपेंद्र कुशवाहा ने जगदानंद सिंह को लेकर यह कहा कि हड़बड़ी में है, जैसे तैसे कोई अभिभावक किसी अनहोनी के डर से अपने बच्चे की शादी कर देना चाहता है, उसी तरह की हड़बड़ी में जगदानंद सिंह हैं, उसी पिता के एक्शन की तरह उनका बयान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई आरजेडी हड़बड़ी में है, और क्या आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने की आरजेडी की हड़बड़ी नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के अभियान में रोड़ा है या रुकावट है, और ये एक नई चुनौती है अगर आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की हड़बड़ी में है तो, जो कि जेडीयू का आरोप है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हड़बड़ी में है भी आरजेडी या नहीं है। दो बयान सामने आ चुके हैं। पहला बयान शिवानंद तिवारी का, जिन्होंने कहा नीतीश कुमार आश्रम खोल ले, नीतीश कुमार को आश्रम में चले जाना चाहिए, जो भी बयान उन्होंने दिया, और ये बयान भी जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा। जेडीयू ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाला, और फिर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है उससे लगता है कि वो 2022 के बीतने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ेंगे। इस बयान का मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि जगदानंद सिंह ने यह कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी संभालेंगे, बिहार की कुर्सी संभालेंगे। क्या यह हड़बड़ी है? और अगर हड़बड़ी है तो फिर जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते दरक सकते हैं इस हड़बड़ी की वजह से, क्योंकि दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके संकेत मिल रहे हैं। बहुत नागवार गुजरा है जेडीयू को यह बयान। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदा बाबू का यह बयान उस पिता के एक्शन की तरह है, जो पिता किसी अनहोनी की आशंका से जल्द जैसे तैसे अपने बेटे की शादी कर देना चाहता है। तो इसीलिए सवाल है कि आरजेडी अगर जल्दबाजी दिखाएगी या जल्दबाजी अगर दिखा रही है तो जेडीयू के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, और जो केमिस्ट्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच दिखाई दे रही है, जो केमिस्ट्री लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच दिखाई दे रही है, वो केमिस्ट्री गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए यह सवाल है कि विपक्षी एकजुटता के अभियान को लेकर क्या एक और चुनौती है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जल्दबाजी है, नीतीश कुमार को दिल्ली में स्थापित करने की जल्दबाजी है। बयान सामने आ रहे हैं, उन बयानों पर पलटवार सामने आ रहा है, और जाहिर तौर पर इससे महागठबंधन में झगड़ा बढ़ेगा, महागठबंधन में कलह बढ़ेगा, जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी को है। तो नीतीश कुमार की राह आसान नहीं है 2024 की, विपक्षी एकजुटता की राह आसान नहीं है। अपने ही कुनबे को, महागठबंधन के कुनबे को संभाले रखना, संजोए रखना, कलह से बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।